की, सिर्फ 4 साल का अंतर है दोनों की उम्र में, कद एक समान है, वेट कैटेगरी 80 किलो की, शुरू होने जा रहा है ये दिलचस्प मुकाबला, मेन कार्ड का पहला मुकाबला। बड़ौदा बादशाह अंडर कार्ड को जीत चुके हैं मुजाहिद शेख और मोहम्मद हाशिम के बदौलत, एक जबरदस्त जीत, दोनों मुजाहिद और मोहम्मद हाशिम एक राउंड पीछे थे, वहां से वापसी की उन्होंने बड़ौदा के लिए। क्या सचिन गोयल यहां 5 राउंड में 3 राउंड लगातार जीत जाएंगे या अस्कर अली उन्हें रोकेंगे? सचिन गोयल ने लगभग पिन कर दिया था वहां पर, अस्कर अली वापसी करते हुए, अस्कर अली ने पिन किया है, दिला दी है जीत, दहाड़ रहे हैं, गरज रहे हैं, गिराक हैदराबाद के अस्कर अली ने यहां पर सबको चौंका दिया है, बाइसेप्स किंग को रोक दिया है। क्या जबरदस्त स्टेटमेंट पहले ही राउंड में, सचिन गोयल पिन पैड के बहुत करीब ले गए थे, वहां से वापस लाए अस्कर अली मैच को और इतनी जल्दी पिन कर दिया। सचिन गोयल का एक रनिंग फाउल भी हुआ था, उसके बावजूद वो अस्कर अली को पिन नहीं कर पाए। जोश देखिए, एग्रेशन देखिए, इस मैच में आप स्ट्रैप्स को तो अलग ही रख दीजिए, किसी का भी इरादा स्लिप करने का नहीं है, सारे के सारे राउंड्स हुक में जाने वाले हैं। ठीक 1 साल पहले अस्कर अली ने सचिन गोयल को उन्हीं के होम टाउन में, उन्हीं के होम क्राउड के सामने 2-0 से हराया था। क्या यहां पर भी ऐसा ही कोई नजारा हमें देखने को मिलेगा? हुक की उम्मीद बनाकर रख लीजिए। हुक एक ऐसी टेक्निक है जो काफी नेचुरली निकलती है। अगर आप नए नए आर्म रेसलिंग में एंट्री मारते हैं तो 90% लोग नेचुरली हुक में जाते हैं। क्या सचिन गोयल या हुक को शुरू कर पाएंगे? फिलहाल एक चेतावनी दी गई है सचिन गोयल को दोनों रेफरीज द्वारा, अगर फाउल 2 बन जाते हैं रेफरीज ग्रिप में तो सीधा यहां सचिन इस राउंड को हार सकते हैं। शुरुआत जकड़ बना ली है दोनों ने, दोनों के तरफ से एक तरफा मुकाबला नहीं है, बराबरी की टक्कर, लेकिन अस्कर अली क्या बात है, क्या बात है, अस्कर अली बाइसेप्स किंग को उन्हीं के बाइसेप्स पावर में बार बार हरा रहे हैं। कोच बहुत खुश है, टीम बहुत ज्यादा खुश है कि राख हैदराबाद की, क्या इतना कॉन्फिडेंस है कि चैलेंजर राउंड लगा पाएंगे, अभी तो मुश्किल नजर आ रही है। हालांकि 10 सेकंड के अंदर अंदर लगभग दोनों राउंड्स खत्म कर दिए, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज मुकाबला फिर भी हो सकता है। बहुत जबरदस्त नंबर 1 प्लेयर हैं इंडिया के 80 kg कैटेगरी के, क्या सचिन को एक बार फिर से निराशा हाथ लगेगी? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अस्कर अली अपनी जो तकनीक है वो इस तरह से बना रहे हैं, चाहे टॉप रोल हो या हुक, दोनों में घुमाने के लिए तैयार है सचिन गोयल को। सचिन गोयल को समय ही नहीं दे रहे हैं अपनी रणनीति बनाने के लिए, इस फ्लैश में जीत रहे हैं, इस तेजी से जीत रहे हैं यहाँ पर अस्कर अली की। सचिन थोड़े से डगमगा गए हैं, इस तरह का नजारा सचिन के तरफ से हम नहीं देखते हैं, एक चैंपियन है सचिन गोयल, लेकिन अस्कर अली ने अपने स्तर को और ऊंचा किया है। आज शुरू हो रहा है तीसरा राउंड, यहाँ अगर अस्कर जीतते हैं मैच उनके नाम जाएगा। सचिन ने शुरुआत करारी, फाउल दिया गया है सचिन गोयल को, अस्कर अली को भी शायद एक फाउल दिया गया है, 3 फाउल अगर हुए तो राउंड हार जाएगा, लेकिन अस्कर अली ने अपना दबदबा दिखाया है। रीमैच, लेकिन चेतावनी और वार्निंग्स बार बार वहां पर मेन रेफरी द्वारा रीमैच का संकेत, रिव्यू में जाएगा ये राउंड। पिन के लिए सचिन गोयल रिव्यू मांग रहे हैं, कह रहे मैंने पिन कर दिया था। बड़ौदा बादशाह रिव्यू पिन चेक करेंगे हमारे मास्टर रेफरी। बड़ौदा बादशाह जो पहली हिट लगाई थी सचिन ने, पिन पैड के काफी पास ले गए थे, पिन जैसा वो लग तो रहा था लेकिन रेफरी को वहां पर कोई पिन नहीं लगी, इसलिए मैच जारी रहा। उसके बाद एक एल्बो फाउल हुआ सचिन का
और उसके बाद एक एल्बो फाउल हुआ अस्कर अली का, जिसके बाद उन्होंने पिन भी किया तो सिर्फ मिला था एक रीस्टार्ट। लेकिन अगर रिव्यू में रेफरीज पाते हैं कि वो जो पहली हिट थी ये पिन थी या नहीं, बहुत करीब ले गए थे पिन के, लगभग पिन पैड तक ले गए, एक पैरेलल एंगल से देखना जरूरी होगा, काफी करीबी मामला। यहाँ पर एक अस्कर अली का भी फाउल हुआ, देखिए हुक में दोनों ही एथलीट्स ने अपनी कलाई घुमा ली। क्या ये पिन है जी, बहुत करीब लग तो रहा है पिन जैसा, लग तो रही है पिन जैसी, ये क्या कमबैक करेंगे सचिन। काफी ज्यादा जोश अभी भी किराक हैदराबाद की टीम में बना। यहाँ पर देखिए अस्कर का भी काफी बड़ा फाउल हुआ था जिसकी वजह से ये मैच लाइव हो गया था, उसके बाद पिन करने के बावजूद सिर्फ एक रीस्टार्ट मिला था। लेकिन क्या ये हिट एक पिन थी, बहुत करीब है एक पिन के। ये त्रिदीप मेहदी सचिन के बिल्कुल पीछे, यहां पर देख सकते हैं किस तरह से अपनी कलाई मोड़ी दोनों ने, ज्यादा दबाव अस्कर की कलाई पर वहां सचिन गोयल ने डाला और अपने वे में अपने तरीके से सचिन ने मजबूर किया अस्कर को वहां पिन पैड तक पहुंचने के लिए। सचिन काफी कॉन्फिडेंट है, देख सकते किस तरह से हैंड पैक को पकड़े हुए हैं, और फिर जब सचिन को लगा कि लगभग मेरा पिन हो चुका है, अस्कर ने अपनी ताकत आजमाई और अस्कर पिन पैड तक ले गए सचिन गोयल को। मास्टर रेफरी सर गेसो कोलोफ इस समय इन्हीं विजुअल्स को देख रहे हैं, इन्हीं नजारों को देख रहे हैं और तय कर रहे हैं कि क्या सचिन गोयल का पिन हुआ है। अगर यहां सचिन जीतते हैं तो बड़ौदा बादशाह अपना तीसरा मुकाबला जीत जाएंगे आज के दिन में, एक हारे हैं सिर्फ महबूब खान के जरिए। इतना क्लोज कॉल है, करीबी मामला यहां, दैट द मास्टर रेफरी पिन पैड के काफी पास ले गए थे, उसके बाद अस्कर ने एक एल्बो फाउल की कंप्लेंट की थी और एल्बो फाउल दिया भी था रेफरी ने सचिन को। ये भी रेफरीज जरूर ध्यान में रखेंगे कि वो सचिन का एल्बो फाउल पिन करने से पहले हुआ या बाद में, और सवाल यह है कि क्या ये पिन थी भी या नहीं। बहुत करीबी मामला, देखकर तो पिन लग रही है। पिन का मतलब होता है अगर आपकी रिस्ट यानी कि कलाई से लेकर फिंगर टिप्स तक का कोई भी एरिया अगर 4 इंच के इस पिन पैड के लेवल के बराबर आ जाता है आपकी लूजिंग साइड में, तो वो होती है एक पिन। जरूरी नहीं है कि आपका हाथ उस पिन पैड से टच हो, अगर उसके लेवल के बराबर भी आ जाता है तो भी वो पिन होती है। जी हाँ, कई बार आप पिन पैड तक हाथ को ले नहीं जा पाते हैं, स्ट्रैप में बंधे होते हैं हाथ, तो निश्चय रेफरी करते हैं जहां पर उन्हें संतुष्टि महसूस होती है कि ये पिन के बराबर मामला है। और क्या वो यहां पर संतुष्टि महसूस हो रही है हमारे मास्टर रेफरी को? अस्कर अली भी थोड़े से हल्के से चिंतित लग रहे हैं, लेकिन काफी रिलैक्स क्योंकि बढ़त उनके पास है। आंखें बंद करते हुए लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, खुद को समय दे रहे हैं, संतुलित रख रहे हैं, संयम बनाए रख रहे हैं। अस्कर अली कॉन्फिडेंट है क्योंकि 2 राउंड में तो उन्होंने कमाल कर दिखाया है। And by a very, very, very close margin. नतीजा. The review is. यहाँ पर सुनाया जा रहा है, कामयाब रहा रिव्यू, और आप देख सकते हैं कितनी अहमियत रखता है वो रिव्यू। सभी सचिन के चाहने वाले, वो उम्मीद फिर जाग उठी है, वो ख्वाब जिंदा है। सचिन गोयल वापस लौटे हैं टेबल के पास, अब रीमैच होगा। अस्कर अली को फिर सचिन को गिराने की कोशिश में जुड़ना होगा, रीमैच, तीसरा राउंड। अगर अस्कर यहां जीतते हैं तो ये मैच उनके नाम, 2 बोनस पॉइंट उनके नाम। अगर आप लगातार 3 राउंड जीतते हैं मेन कार्ड में तो आप 2 बोनस पॉइंट भी ले जाते हैं, कुल मिलाकर 5 पॉइंट। लेकिन सचिन चाहेंगे खींचना, बने रहना, टिके रहना इस मैच में, लंबा लेके जाना इस मुकाबले को। अगर सचिन 1 राउंड भी ले लेते हैं तो शायद 5 राउंड का मैच यहां बन सकता है। रीस्टार्ट शायद इसलिए हुआ क्योंकि सचिन का एक एल्बो फाउल हो गया था वो पिन करते करते, इसलिए रीस्टार्ट मिला है इस बार। लेकिन एक और एल्बो फाउल के साथ पिन कर दिया, सचिन तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। डाउन रेफरी ने पिन का इशारा किया और हेड रेफरी ने इशारा किया एल्बो फाउल का, वन फाउल, रीमैच। जी हाँ, एक बार फिर से वही कहानी दोहराई गई,
एल्बो फाउल के साथ साथ पिन कर दिया सचिन ने। एक बार फिर से सचिन रिव्यू की मांग करते हुए, अच्छा ओके, सचिन का कहना है कि पहले मैंने पिन किया उसके बाद मेरा एल्बो फाउल हुआ। सचिन ने फिर से रिव्यू, और यहां पर कहीं ना कहीं सार्थक अच्छा ही हुआ कि अस्कर ने कोई चैलेंजर राउंड नहीं लगाया, वरना मुसीबतों में फंस सकते थे। जानते हैं अस्कर अली सचिन की काबिलियत को, सचिन की क्षमता को, इसलिए संभल संभल के हर राउंड जीतने की कोशिश में लगे हैं, सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हरमन मान और त्रिदीप मेहदी सचिन गोयल को मसाज करते हुए, उन्हें किसी ना किसी तरह चार्ज्ड अप रखते हुए अस्कर अली शांत बैठे हुए हैं। सचिन गोयल का यह मानना है कि मैंने पिन कर दिया था, स्पष्ट साफ तरीके से मेरा पिन हुआ है और मुझे ये राउंड मिलना चाहिए। यहां आप देख सकते हैं पिन तो हमें लग रहा है और एल्बो फाउल कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर आपकी कोनी उस एल्बो पैड से उड़ जाती है, जो 8x8 इंच का एल्बो पैड है उससे आपकी कोनी उड़ गई, तो रेफरी एल्बो फाउल दे सकते हैं। लेकिन अगर हल्की सी एकदम बारीक लगभग 1 मिलीमीटर के आसपास कोनी उठती है तो वो रनिंग फाउल में गिना जाता है और रेफरी खेल को जारी रखते हैं। तो अब हमें पता चलेगा कि ये पिन क्लीन था और ये राउंड क्या सचिन गोयल को मिला है। डाउन रेफरी की कॉल थी पिन की और हेड रेफरी ने कॉल दी थी एक एल्बो फाउल की। दोनों में से क्या पहले हुआ ये देखना होगा। जी हाँ, पिन भी हुई है और एल्बो भी पीछे उतरती हुई नजर आ रही है, बट क्या पहले हुआ ये मुझे लगता है पता लगा पाना हमारे मास्टर रेफरी के लिए भी काफी मुश्किल आज होने वाला है। पहले दो मैचेस तो सचिन को काफी आसान मिल गए थे, आसानी से जीत भी लिया था। इतने आसान होते नहीं है लेकिन उनकी काबिलियत और उनकी मेहनत के हिसाब से उन्होंने उन मैचेस को आसान बना दिया था। पहले मैच में मुंबई मसल के सोनू चौरसिया को हराया था और दूसरे में कोची केडीज के प्रिंस धीर को उन्होंने हराया था। लेकिन आज का मुकाबला कोई आसान नहीं है। पहले तो अस्कर अली ने जो दो जबरदस्त अटैकिंग राउंड जीते उससे सचिन का मनोबल डाउन लग रहा था, लेकिन अभी अस्कर को बैकफुट पर ले रहे हैं, काफी तगड़ी हिट्स लगा रहे हैं अच्छी स्पीड के साथ। इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, क्या कमबैक करेंगे सचिन, करीब तो काफी है, लेकिन एल्बो फाउल्स पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा उन्हें। कर दिया था एक पार्ट उसमें से सही है एक गलत, यहाँ पर तो गया था, बट साथ ही घोषणा साथ किस तरह से रिव्यू का नतीजा, तो यहाँ पर रिव्यू सक्सेसफुल कहा गया है जिसके कारण रीमैच होगा, यानी कि ये तीसरा राउंड फिर लड़ा जाएगा। सचिन गोयल को हरमन मान भेज रहे हैं टेबल के पास, कामयाब कहा गया है रिव्यू हमारे होस्ट ने, इसलिए फिर से लड़ेंगे अस्कर अली और सचिन गोयल। आज सचिन की गाड़ी पर गाड़ी की रफ्तार को थोड़ा बहुत रोका है अस्कर अली ने, लेकिन तीसरे राउंड में जिस तरह से सचिन वापसी ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं अपना रास्ता इस मैच में वापस आने के लिए, पूरी तरह से अपने आप को बनाए रखे हैं अस्कर अली। उस क्रिप में अगर पहले ही अपनी कलाई सचिन ने मोड़ ली है, अपनी कलाई सचिन ने वो पकड़ बना ली है, लेकिन अस्कर वापसी कर रहे हैं, अस्कर नीचे प्रेस कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, सचिन पास यहां मौका नहीं है। अस्कर अली ने सचिन गोयल को मात दे दी है, हरा दिया है बाइसेप्स किंग को अस्कर अली ने। नया खिताब शायद अब अस्कर अली को मिल सकता है, 80 किलो के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन का, क्लीन स्वीप करना सचिन गोयल को एक अपने आप में उपलब्धि, दो बोनस पॉइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन मेन रेफरी यहां चर्चा करते हुए कहते हुए कि शायद यहां पर मूवमेंट, अर्ली मूवमेंट के लिए अस्कर अली पर फाउल बन सकता है। सचिन ने रिव्यू लिया है, इस मैच को इतनी आसानी से नहीं हारना चाहेंगे। और सार्थक मैं अगर कहूं तो मैंने भी रियल टाइम में एक अर्ली मूवमेंट अस्कर से महसूस किया था, उन्होंने अपनी कलाई अंदर की ओर घुमाई थी शायद, देखते हैं ऐसा था या नहीं। एक अर्ली मूवमेंट दिखाई तो दिया था अस्कर की ओर से, क्या ये अर्ली मूवमेंट था देखते हैं।
बहुत जी हाँ, देखिए यहाँ पर कलाई उन्होंने थोड़ी सी अंदर की ओर घुमाई थी, शायद ये रिव्यू सक्सेसफुल होगा, लेकिन उसके बाद भी दो फाउल्स सचिन गोयल के ऑलरेडी हो चुके थे इससे पहले। तीसरा फाउल सचिन का हो गया था लेकिन रेफरी ने उसे सेकंड फाउल कहा, तो शायद वो सेकंड राउंड वाला जो पिन और फाउल एक साथ हुआ था वो वहां पर काउंट नहीं हुआ होगा। द रिव्यू इज सक्सेसफुल, रिव्यू हुआ सक्सेसफुल, अर्ली मूवमेंट अस्कर ने किया था और अब इस तीसरे राउंड की चौथी शुरुआत होते हुए। अब खेल एंड्योरेंस का है, ऊर्जा का है, किसमें और ताकत बची है, किसमें शक्ति बची है, क्योंकि अगर चार बार आप तीसरे राउंड में लौटते हैं, आप हर बार जीतने के लिए लौटते हैं और हर बार आप ऊर्जा खर्चते हैं। डोंट मूव एल्बो, के किसके पास वो थोड़ी बहुत ऊर्जा बची है सचिन गोयल की, ये बहुत बड़ी परीक्षा है। No movement. क्या वो no movement. तीसरे राउंड में वापसी no करके movement. इस मैच में खुद को जिंदा रख पाएंगे? बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि अस्कर अली ने बढ़त बनाई है इस तीसरे राउंड में, लगभग पिन कर दिया है सचिन को। सचिन लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्या नतीजा है? विजेता हुए अस्कर अली, आखिरकार झूम उठे हैं सभी किराक हैदराबाद के चाहने वाले और उनके सुपरस्टार साबित हुए हैं अस्कर अली, आक्रामक था हर तरफ से, हर राउंड हर रीमैच उतनी ही ताकत लाए अस्कर अली, थके नहीं, रुके नहीं और अब